मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनने के 12 दिन बाद 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन व अटकलों का दौर चल रहा था। नए मंत्रियों को सोमवार दोपहर 3:30 बजे शपथ दिलाई गई, जिसमें कई दिग्गज चेहरों को भी शामिल किया गया। मोहन यादव सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 28 मंत्रियों ने शपथ लिया। राज्यपाल गंगूबाई पटेल ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 18 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों का क्रमवार शपथ इस प्रकार रहा: प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह वर्मा, विजय शाह, संपिता उइके, तुलसीराम पटेल, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, निर्मला भूरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युमन सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप, इंद्र सिंह परमार और राकेश शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। तो वहीं 6 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार का नाम शामिल रहा। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर राजभवन पहुंची। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने मुझे प्रदेश की सेवा का अवसर दिया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी राजभवन पहुँचे थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि अटल जी की जयंती पर नई सरकार आकार ले रही है। मंत्रिमंडल में अनुभव की भट्टी में पके वरिष्ठ राजनेता और युवा जोश शामिल हैं। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश को सुशासन देगी नई सरकार। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि संकल्प पत्र के वचनों को पूरा करेगी नई सरकार। सभी मंत्री मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम शिवराज ने कहा कि नया मंत्रिमंडल पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा का नया इतिहास रचेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।